अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए क्रीम चीज की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रीम चीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप ऑफ फुल फैट मिल्क लिया है, जो हेवी मिल्क होता है हमारा, वो मैंने लिया है 2 कप। और इसमें हमारी जाएगी अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। यहाँ पे मैंने लेमन रख लिया है, मैं ये 2 टेबल स्पून यूज करूंगी। आपको दिखाती हूँ इसे बनाना कैसे है। ये देखें, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा रही हूँ। मिल्क को मैंने बॉयल पे चढ़ा दिया था और इसमें फ्लेम हाई पे मैंने रखा था, और इसमें अच्छा खासा बॉयल आ गया है। और अब जो है हम लोग इसमें और अब जो है इसमें हाई फ्लेम पे ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो मैंने आपको सॉरी लेमन बताया था, वो लेमन हमारा चला जाएगा। और इसे हम लोग ऑलमोस्ट 4 to 7 मिनट और कुक करेंगे। 4 to 7 मिनट कुक करते हैं हम लोग। देखिए, ये आप देख सकती हैं ये कैसा अच्छा सा ये हो चुका है, बिल्कुल हमारा चीज बनने के लिए ये रेडी हो रहा है हमारा। तो आप देख सकती हैं किस तरीके से ये हो चुका है इस स्टेज पे आकर के। और अब मैं इसे 1 मिनट और इसी पे कुक करती हूँ। और 1 मिनट और कुक करने के बाद ये देखें, ये हमारा हो चुका है। और अब जो है मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसे हम लोग स्टेन कर लेंगे। अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ है, जो हम लोगों का मलमल का कपड़ा होता है, उसमें आप इसे डाल लें। और सारा वाटर को जो है देखें, वाटर इसका डिस्कार्ड मत कीजिएगा। इससे आप जो रेगुलर यूज में चपाती हम लोगों की बनती है, उसका डो जो रेडी करते हैं, उसमें आप डाल सकती हैं। इस तरीके से मैं अब इसे स्टेन कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब देखें, ये नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है, ये मैंने नीचे बोल लगाया है। और इस तरीके से मैंने नीचे बोल लगाया है और ऊपर में हमारा मसलन क्लॉथ है, मलमल का जो कपड़ा होता है। और साथ ही ये सारा कुछ मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरीके से ये हमारा अच्छे से स्टेन हो जाएगा। इसे हम लोग कस के अच्छे से टाइटली इसे हम लोग बांध देंगे। और हम लोगों को क्या करना है कि इसे हम लोग छोड़ देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट। हम लोग का सारा वाटर जो है इसमें से हट जाएगा और हम लोगों को चीज मिल जाएगी सिर्फ इस तरीके से। इससे हम लोग पकड़ेंगे और इस तरीके से आप जो है इसे फोल्ड कर दें इस तरीके से। इसे हम लोग कर लेंगे और फिर वेट करेंगे सारा इसका वाटर हमारा ड्राई हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा अब हो चुका है, इसका सारा वाटर जो है ड्रेन हो चुका है। और ये देखें, हमारी पनीर मिल चुकी है हमें। हम लोग एक मिक्सर जार लेंगे और उसी में ये सबको डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने जार में डाल दिया, इसे कवर कर दूंगी और मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसका फाइन सा हो जाएगा। इन केस आपसे ये ग्राइंड नहीं हो पा रहा है, आप तो फिर इसमें जो है इसका जो वाटर था, मैंने कुछ वाटर इसका बचा कर रखा है, अबाउट 1 टेबल स्पून और सो मैंने इसे बचा लिया है, ताकि अगर कुछ भी इश्यू होता है मुझे इसे ग्राइंड करने में, तो वो मैं ऐड कर दूंगी और फिर मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। देखिए, आप देख सकती हैं ये कितनी फाइन सी हो चुकी है और हमारी चीज क्रीम रेडी हो चुकी है। आपको मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे डिश आउट किया। आप इसे केक में जो मैं आपको रेसिपी देती हूँ उसमें ऐड कर सकती हैं। जरूर देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये होममेड हमारी चीज क्रीम कैसी लगी। और सिंपल एंड ईजी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा, बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें, सो डैट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।